show was very hilarious, and it was very nice to watch. The acting is very good. We are just yet to see the next what's happened. It's good, very nice. Well, बहुत ही अच्छा था. It was really good to watch, and I really loved it. Thank you. कैसा लगा? अच्छा है. Yeah, we enjoyed. Yeah, it is good. हाँ, acting अच्छी है. Very nice. गोलमाल है, बहुत अच्छा है. मेरा दोस्त है बिंदु और बाकी आकाश पुराने दोस्त हैं हमारे, शीबा और लखी लखबीर लहरी जो है, बहुत अच्छा काम किया. अच्छा अच्छा लिखा हुआ है और फनी है. अभी तो इंटरवल हुआ है, आगे देखते हैं. अच्छा, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है. हाँ जी, कैसा लगा शो आपको? हाँ, अच्छा है. गुड गुड, एक्टिंग अच्छा है सबका. बिंदु दारा सिंह और सब, शिवा का प्लेस गुड. अब इंटरवल तक तो अच्छा ही है. अच्छा, वेरी नाइस. आगे देखिए क्या जलवा दिखाते हैं. कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, एक्टिंग काफ़ी अच्छी है. हाँ हाँ, मज़ा आ रहा है ना. बड़ी बात क्या है कि मज़ा आना चाहिए, तो उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया है. हाँ जी, थैंक यू. कैसा लगा शो आपको? शो अच्छा है, आवाज़ ज़रा बराबर नहीं लगा, क्लियरिटी. ऑडियंस वगैरह सब अच्छा है, क्लियरिटी ज़रा आवाज़ की है. हाँ जी सर, कैसा लगा शो? बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया. पप्पू जो कैरेक्टर कर रहा है, सार्थक जोशी, वो मेरा बेटा है. आई एम हिज फादर. और ये उसका छोटा भाई है. मम्मी अभी यही गई थी, यही गई. थैंक यू, थैंक यू. हाँ जी, बहुत ही अच्छा एक्टिंग की है बिंदु सर का. कमाल धमाल कॉमेडी है उनकी. और आकाश जी ने भी बहुत अच्छा किया है. शिवा भी, शिवा मैम है, वो भी बहुत अच्छा. और काफ़ी टाइम से हम साथ में जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली इज एंड शी इज़ टू गुड. थैंक यू. मेरे को नौकर की एक्टिंग सबसे अच्छी लग रही है. और मेरे साथ मेरा बेटा भी है जो कि 7 साल का है, तो शौर्य इधर आओ, तो हम लोग बहुत रिलेट कर पा रहे हैं इससे और काफ़ी अच्छा लग रहा है. आपको कैसा लगा? अच्छा है. अच्छा लगा? हाँ. आपने एंजॉय किया ना? हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा. दैट्स अ वेरी गुड शो, वेरी नाइस, सुपर, फुल लाफ, ब्लॉकबस्टर रियली. हाँ, गोलमाल इज़ अ वेरी गुड शो एंड कांट स्टॉप लाफिंग सीइंग इट एंड रियली एंजॉयिंग इट थरली. वेरी नाइस, आई लाइक द कॉन्सेप्ट, लवली कॉन्सेप्ट. वेरी गुड शो, आई एम लाइकिंग इट एंड रियली रिलेटिंग द थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग विद द सर्वेंट एंड ऑल, इट्स गुड. बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ा आ रहा है जी, बहुत मज़ा, बहुत मज़ा आ रहा है. बहुत अच्छा शो है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग. वेरी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गोलमाल है. हाँ, बहुत अच्छा है गोलमाल. अच्छा, बहुत अच्छा शो, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है. बहुत ही हाई एनर्जी, बहुत ही हाई एनर्जी नाटक है. और अभी तो इंटरवल हुआ है, तो अभी देखते हैं इंटरवल के बाद और भी मज़ा आएगी शायद. विद्यु सर का एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है, इतना एनर्जी डाल रहे हो, लाइक हैट्स ऑफ. आकाशदीप इज रॉकिंग. आकाशदीप का एक्टिंग अच्छा है, सबसे बेस्ट. बहुत एंजॉय किया अब तक, तो बहुत हंसे, काफ़ी अच्छे पंचे से. बेस्ट बेस्ट, नाइस, थैंक यू. टोटली एंजॉय, टोटली कॉमेडी ड्रामा एंड आई लाइक इट टू मच. फैंटास्टिक, एकदम जगास, रियल सुपर कॉमेडी, कॉमेडी, कॉमेडी. गोलमाल, गोलमाल, गोलमाल की वेरी एंटरटेनमेंट, एकदम जगास, 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 गोलमाल, फैंटास्टिक. बिंदु जी तो सुपर एक्टिंग, सुपर ऑफ. आकाशदीप जी, दीपशिका जी, उसके बाद में पायल जी, सबकी बहुत जबरदस्त काम है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग. बहुत टोटल, अच्छा, टोटल एंजॉय, टोटल एंजॉय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आज तक हमने ड्रामा देखा, लेकिन ऐसा बेहतरीन ड्रामा नया, मतलब ये एक बच्चे को स्कूल में डालने के लिए
उन लोगों ने जो ये किया है, जैसे जो जिसका बाप पढ़ा लिखा नहीं है और वो बच्चे को डालने के लिए कितनी तकलीफें उठाकर ये करता है, उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा, मतलब इससे ज़्यादा मैसेज है पब्लिक के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत टू मच अच्छा था। क्या कहना चाहेंगे गोलमाल के लिए? हाँ जी, गोलमाल की टीम को क्या कहना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू टेल देम ऑल द बेस्ट, इट इज़ वेरी गुड वन, दे कीप ऑन वर्किंग लाइक दिस, थैंक यू। Yeah, it's a nice play, but the punches could have been much better. You know, looking at the star cast and all that, we feel the punches are a bit less. So maybe they can add up a few punches. Yeah, thank you. बहुत अच्छा है, very nice. बहुत अच्छा, हम लोग तो बहुत हंस रहे हैं, very nice. हाँ, सब जो भी अच्छे एक्टर हैं, very very good. मतलब बोल दिया ना? तो हमारे को पैसा वापस दे दीजिएगा। अच्छा कुछ यह अच्छा लगा, कॉमेडी है, विदु जी का भी अच्छा एक्टिंग लगा, नाइस, ओके। धमाल, अब तक धमाल, अभी इंटरवल के बाद देखते हैं। हाँ, राजेश पुरी अभी है एंट्री मारे, वो तो पहले से पुराने हैं, तो अभी देखते हैं क्या हो। भैया क्यों इंटरवल तक अभी बहुत मुझे मज़ा आया, बहुत अच्छा था, तो आगे भी देखना है अभी तो। और बाकी बिंदु जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिंदु जी वॉज रियली गुड, और अभी देखते हैं आगे और कैसे होगा, बट यहाँ तक बहुत अच्छा था, सबकी बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी, सबने अच्छा किया, सबने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बल्कि बिंदु जी से भी मेरे को थोड़ा और वो था कि अभी वो और अच्छा करेंगे, बाकी उन्होंने भी अच्छा एक्ट करा काफ़ी, तो मोर कॉम्प्लीमेंट्स मैं देना चाहूँगा कि अच्छा मतलब टीम वर्क हुआ है, सबने अच्छा काम किया है, और अभी इंटरवल तक हुआ तो आगे भी देखते हैं, शायद अच्छा हो जाए और लोगों को और पसंद आ जाएगा। थैंक यू। नहीं, बहुत अच्छा है, एंटरटेनिंग है, और एक फैमिली ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा ड्रामा है, वी आर ऑल एंजॉइंग इट, इट्स वेरी नाइस। नहीं, ये तो बस एक जनरल है, ये बस ड्रामा के हिसाब से जो सिचुएशन क्रिएट करना उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। नहीं है सर, गोलमाल बहुत झोलमाल है, झोल झोलमाल टू, सारे कैरेक्टर सुपर्ब है, काफ़ी उन्होंने अपनी दिलचस्प एक्टिंग की है, और एंटरटेनमेंट का भंडार है गोलमाल में, बहुत झोलमाल है, तो गोलमाल देखा करिए और मौजा ले जा करिए। Really nice comedy. I mean, in everything, every dialogue there was a lot of laughter. Vinduji, Rajeshji just and all, Shiva acted really, really well. Whole entertainment for the family. Yeah, Golmaal is a really very very entertaining and comedy show. I have come from Gulbarga near Hyderabad. Vindu ji ke liye khas ye show dekhne ke liye aaya hu, and I am going to organize this show in Gulbarga in July. So really, I have enjoyed a lot. Abhi interval tak to itna maza aaya hai. I am really very excited to see ki baad mein kya hota hai. So my best wishes with all the team. Bahut hi badhiya hai, bahut hi rocking hai. Main ummeed karta hu ki ye bahut great success ho jayega iska. Thank you very much. या मैं जसवीर सिंह हूँ, आई एम ए सिंगर, प्लेबैक एंड पॉप सिंगर, आई हैव कम फ्रॉम गुलबर्गा नियर हैदराबाद, तो बिंदु जी का मैं फ्रेंड हूँ, वेल विशर हूँ, तो ये प्रोग्राम देखने आया हूँ मैं शो, इट इज़ रियली वेरी फैंटास्टिक, इट इज़ अ रियली ग्रेट ग्रेट हिट शो, जो भी देखेंगे उनको बहुत पसंद आएगा, और अभी इंटरवल चल रहा है तो इंटरवल तक इतनी एक्साइटमेंट है कि मैं देखना चाहूँगा कि इसके बाद क्या होता है, और इतने अच्छे अच्छे सीन्स है, टाइमिंग बहुत परफेक्ट है, स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत अच्छी है, सो मैं तो सरप्राइज्ड हूँ देखकर कि इतनी देर तक कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं इतने अच्छी तरीके से, रियली ये शो तो 300-400 शोज होंगे इसके मुझे उम्मीद है, इट इज़ अ रियली हिट प्रोग्राम एंड आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस इन गुलबर्गा इन माय डिस्ट्रिक्ट सिटी इन जुलाई, क्योंकि जून तक अपना सीजन है उसके बाद, सो माय बेस्ट विशेस विद बिंदु दारा सिंह एंड ऑल द टीम, थैंक यू। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, मेरा बेटा यहाँ पे काम कर रहा है, अच्छा तक
क्या कहना चाहेंगे गोलमाल के लिए, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा, बहुत मस्त, सार्थक, अच्छा, हाँ। अच्छा है ना भाई, मुझे खुशी है भाई कि मेरा बेटा काम कर रहा है यहाँ पे और सब इतने लोग है देखने के लिए आए। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, हम देखने को मिले हमें, अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं बहुत अच्छा है और आगे भी अभी अच्छा करेगा, उसका फर्स्ट शो है। अच्छा, खुशी से। सर मुझे बहुत अच्छा लगा शो, बहुत बहुत अच्छा है, कुल मिला के बहुत अच्छा होना चाहिए। गोलमाल एक बहुत अच्छा कॉमेडी सीरियल है और जो शो है बहुत अच्छा लगा, विद फैमिली एंटरटेनिंग है और विंदु दारा सिंह जी का काम बहुत अच्छा है और जितने भी यहाँ कैरेक्टर्स हैं बहुत अच्छे हैं। आई केम स्पेशली टू वॉच गोलमाल और मुझे बहुत पसंद आया। सब सब ओवरऑल जो खिचड़ी है बहुत अच्छी है, कॉमेडी है, मज़ा आएगा, एंटरटेनिंग है, फैमिली एंटरटेनिंग शो है, बहुत अच्छा लगा। बहुत मज़ा है, दारा सिंह का बहुत अच्छा एक्टिंग है उसका, बहुत अच्छा, लेकिन ये मैनेजमेंट बहुत बेकार है यहाँ का, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा था। थैंक यू। नहीं उनका भी अच्छा, बहुत अच्छा रोल, ओवरऑल सबका अच्छा रोल था। थैंक यू। Oh,
Thank you, ladies and gentlemen. Akash. My father-in-law, Rajesh Puri ji. Teacher, Deepshika Nagpa. Our neighbor in the show. गोलमाल एक बहुत फनी प्ले है जो बिंदु ने लिखवाया और फिर जब हमको सुनाया हमको लगा कि यार ये बहुत अच्छा है। तो पहले मैं सिर्फ इसका क्रिएटिव डायरेक्टर होने वाला था, फिर उन्होंने कहा कि शिबा के हस्बैंड का जो रोल है वो आप करो। तो इन दिनों वो फेसबुक का ऐड आने के बाद मुझे दो तीन जगह से और एक्टिंग असाइनमेंट आए, तो मैंने कहा चलो थिएटर भी कर ही लेता हूँ, क्योंकि इन दिनों एक्टिंग कर रहा था दोबारा। तो इस तरह मेरे को इन्होंने फंसा दिया इसमें, और मैं एक प्लम्बर का रोल कर रहा हूँ जो अनपढ़ है, जिसके घर पर बिंदु जी नौकर हैं और शिबा को स्कूल टीचर मिलने आ रही है, और आजकल स्कूल के बच्चे के लिए माँ बाप का भी अंग्रेज़ी जानना बहुत ज़रूरी है। अब वो मुझे नहीं आती, तो अब टीचर के आने से पहले क्या गोलमाल होता है, टीचर के आने के बाद क्या गोलमाल होता है, फिर 8 साल से हमारा मुंह नहीं देखा है हमारे ससुर ने, शिबा के फादर ने, क्योंकि उसने एक प्लम्बर से भाग के शादी की थी। वो भी पहुंच जाते हैं, पड़ोसी पहुंच जाते हैं, दोस्त पहुंच जाते हैं, और उन सबको समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ हो क्या रहा है। तो वो सारा गोलमाल जो है वो हमारा प्ले है। ओपनिंग नाइट पहली बार सुनने में आया कि शो हाउसफुल हो गया है, तो इससे भी खुशी हो रही है। अभी देखते हैं ऑडियंस का क्या रिस्पांस होगा। आई होप यू ऑल विल लाइक इट। जिस तरह का टाइटल है, जिस तरह की रोहित शेट्टी की फिल्में भी थी, हमने सोच के वही टाइटल रखा कि उसी तरह आप हंस हंस के वापस जाएं, यही हमारी कोशिश रहेगी। शिबा के हस्बैंड का ही रोल कर रहा हूं, तो एक्टिंग करना बड़ा आसान था, छोटे मोटे झगड़े भी हैं जैसे होते हैं, तो मेरे ख्याल से लाइफ की एक्सटेंशन ही है, और ईजी रहता है व्हेन यू नो द को स्टार सो वेल, तो ईजी रहा। सब दोस्त हैं, पायल ने भी प्ले किया, दीपशिका भी फैमिली मेम्बर है, विंदु, तो हर कोई 99% जानकार, मतलब जानने पहचानने में ही लोग हैं पूरे ग्रुप में। सो इट वॉज़ फन रिहर्सिंग। आज सब भले दिखाएं ना दिखाएं, सब थोड़े थोड़े नर्वस हैं, फर्स्ट नाइट है, एंड दुआ मांगिए कि प्ले सुपर हिट हो जाए। हमें लगता है कि यू ऑल विल एंजॉय योरसेल्फ इन दिस। थैंक यू।
प्ले पहले भी किया है, गोलमाल प्ले है नाम उसका, वहाँ पर ये एक्ट कर रहा है उसमें। I am very excited. This is not my first play. I have done play before, Gulam Begum Badshah, Vijayarat Pal Yadav, Narayani and all. Then I did Paritosh Painter ke saath bahut saare play kiye. The latest one was Selfie, which was talked about. And after Selfie, I'm doing this Golmaal. Bindu Dara Singh is a very, very dear friend of mine. And jab unhone mujhe phone kiya ki Dipshi play karegi, I'm always ready to do play because I love live audience. And you know, jo instant reaction milta hai. And when you rehearse, you meet, and luckily all my friends are here. Bindu is there, Sheba, Akash, Payal, everybody. So aisa lagta nahi hum kaam kar rahe hain. I want to work now where I enjoy my work, you know. So hum log ne rehearsal ki, and then everything is like home production and everything. And it's mad play, Golmaal, because sabki life mein bahut stress any which ways hai. तो जब वो पैसा खर्च करके थिएटर में आते तो वो हंसने चाहिए. सो सडनली देयर इज अ स्विच हैपन इन माय लाइफ. अर्लियर आई टू डू लॉट ऑफ नेगेटिव रोल, द ग्लैमरस रोल. नाउ आई एम डूइंग लॉट ऑफ कॉमेडी. सो माय दिस गोलमाल इज कॉमेडी. कीप योर ब्रेन्स एट होम एंड कम बैक. आई एम डूइंग वन गुजराती फिल्म, इट्स ओके थाई, विच इज अगेन कॉमेडी. मी, अरुणा ईरानी एंड प्रिनल ओबराय करके. इट्स स्टोरी अबाउट थ्री वुमेन, विच आई एम गोइंग टू फ्लाई टुनाइट एंड डू इट. माय फिल्म इज रिलीजिंग अबे तेरी भाभी है पगले. कृष्णा अभिषेक, मुकुल देव, रजनीश दुग्गल, मैड कॉमेडी विच विल बी रिलीजिंग इन 6 जुलाई. सो यू विल सी मी नाउ मोर ऑन कॉमेडी फिल्म एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इवन यू नो समटाइम यू आर टायर्ड, यू आर स्ट्रेस एंड वैन यू गो देर. सो जब मैं अपना ही डबिंग करती हूँ तो मैं हंसती हूँ अपना, भूल जाती हूँ सारे स्ट्रेस. सो आई एम श्योर वैन आई एम इन्जॉइंग, ऑडियंस विल डेफिनेटली इन्जॉय. पूरा गोलमाल ही गोलमाल है, यू विल सी गोलमाल. सबसे पहला तो कर्टन नहीं चल रहा है, यू नो हाउ ऑल दिस थिंग हैपेंस, बट इट्स ओके, इट हैपेंस, यू नो. और देखा अभी मैं बाहर से टिकट्स लेके ही आ रही हूं, तो पूरा हाउसफुल इसके बारे में. इमेजिन आईपीएल के सीजन में हमारा फर्स्ट शो हाउसफुल. हमारा प्रोड्यूसर बिंदु तो इतना खुश हो रहा है कि अरे वी आर रॉकिंग, वी ऑलरेडी रॉकिंग. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस बिकॉज वी वर बीइंग प्रमोटिंग एवरीवेयर गोलमाल गोलमाल गोलमाल. सो यस, कॉमेडी एवरीबडी लाइक्स इट, सो इट्स नाइस. Thank you, thank you, thank you. तो हमारे प्ले का नाम है गोलमाल. ये एक हिंदी कॉमेडी है, धमाल कमाल कॉमेडी है. बहुत सारी मस्ती, बहुत सारे मजाक, बहुत सारे जोक्स, बहुत सारे गैग्स, फुल ऑन मस्ती है. मतलब लोग हंस हंस के लोट पोट होने वाले. बिंदु जी हमारे प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी हैं. दीपशिका जी हैं, आकाशदीप जी है, पायल गोगा कपूर है, एक छोटा बच्चा है, लखबीर लहरी. बहुत अच्छी स्टारकास्ट है. राजेश पुरी जी हैं, एक से बढ़कर एक, बहुत फनी है. और हम खुद एक्टर एक्ट करते करते हमारी हंसी नहीं रुकती. तो आई डोंट नो आज हम क्या करने वाले हैं, हम खुद ही ना हंस पड़े. So I haven't actually ever worked with Akash as an actor. He has always directed me or been a creative director. तो ये मेरा पहला experience है as an actor with my husband. So very nervous. Yes, houseful. Yes, yes, yes. वेरी नर्वस. प्री शो जिटर्स तो होते ही हैं, नो मैटर कितने आप लाइव शोज़ करो, बिफोर एवरी शो उतना ही डर लगता है जितना पहले शो में लगता है. लेकिन एक्साइटेड एज़ वेल. ये है हमारी खूबसूरत प्रोड्यूसर, मिलिए इनसे. ये मेरी गोल माँ. हाँ, ये मिस्टर एंड मिसेस प्रोड्यूसर हमारे. ये तो सर सब कुछ हॉट गोल माँ. फर्स्ट टाइम यू नॉट सीन एनी. नो, आई वांट टू बी सरप्राइज्ड. इतने लोग बाहर खड़े हैं, मुझे बहुत एक्साइटमेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि कर्टन बंद नहीं हो रहा, टेंशन है. भैया क्या जानना चाहेंगे, हम लोग ने बहुत मेहनत करके एक कॉमेडी बनाया, ऐसी कॉमेडी जो भी देखे वो हंसते हंसते गिर जाए. हमने हमारी कोशिश की है, अब पब्लिक बताएगी कि ये कॉमेडी में हम लोग कितने सक्सेसफुल हुए हैं. हम चाहते हैं कि सब लोग इतना खुश हों कि 2 घंटे हंस हंस के घर जाएं.
तो सबका दिल खुश है, यही हमारी कोशिश। मैम, मैम जो है वो सपोर्ट सिस्टम है हमारा, मैम के नाखून का बिजनेस है, ब्लू स्काई, उसमें मैं इनको बैक सपोर्ट करता हूँ और ये मेरा गोल माल है, इसमें ये मुझे सपोर्ट करता है। तो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को साथ में सपोर्ट करें, हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, तो ताकत बढ़ जाती है। यस, इट इज़ अमेजिंग। मैंने कभी जिंदगी में आई डिडंट सी एनी रिहर्सल दिस टाइम इन दिस प्ले बिकॉज़ आई वांट टू बी सरप्राइज्ड एंड अंडरस्टैंड हाउ मच आई कैन हिंदी, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस प्ले। आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी पर्सन जिसने ये टिकट खरीदी और इसे शो को हाउसफुल किया हमारे भरोसे कि हम लोग कुछ ऐसा देंगे जो लोग खुश होंगे। तो हमारी ये दिल से तहे दिल से इन सब से थैंक यू, धन्यवाद, और हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे इतना खुश हो जाएं कि ये शो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में आपके पास लेके आएं। आज आपको शो के बाद पता चल जाएगा कि पब्लिक क्या बोलती है, क्योंकि पब्लिक इज़ द बॉस इन द एंड। अब शो की हाईलाइट यही है कि मतलब जो भी आदमी ये शो देखने आएगा सारे अपनी तकलीफ़ें, दुख सब कुछ भूल जाएगा, और आज के दिन जो पब्लिक आई है वो जब घर जाएगी तो इसको याद रखेगी कि यार कौन सा फ़नी पार्ट था। उन्हें समझ नहीं आएगा कि ये फ़नी था या ये फ़नी था या ये फ़नी था। यस, दिस इज़ द मेन पार्ट। स्टार का देखो, मैं जब भी काम करता हूँ कुछ, मैंने यानी एक प्ले पहले किया हेलो डार्लिंग, उसमें भी फैमिली के जैसे थे, अब 8 लोग हैं इस प्ले में, ये भी हमारी फैमिली के जैसे हो जाते हैं क्योंकि आप इतना टाइम स्पेंड करते हो उनके साथ। तो मैं सारे के सारे मेरे बहुत क्लोज हैं, हर बात मेरी मानते हैं, हम सब एक दूसरे की सुनते हैं, सब लोग मिलजुल के रल मिल के एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो हेलो ये डार्लिंग तो ख़त्म हो चुका है, यानी वो चलता रहेगा, गोलमाल की जो फैमिली है वो अब स्टार्ट हो चुकी है पागल करने। आ जी, वाचिकं सर्ववाङ्मयं आहार्यं चन्द्रताराधि तं नमः सात्विकं शिवं तं नमः सात्विकं शिवं तं नमः सात्विकं शिवं। Everything is ready. Everything is ready. No problem. No problem. Sanji. मैं इस प्ले में बड़ी खुशकिस्मती कि इतनी अच्छी टीम मिली है मुझे। बिंदु बहुत पुराना जानकार है, पहली बार हम लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, बिंदु पहली बार प्रोड्यूसर बना है। एक्चुअली मेरी तबीयत भी ख़राब नहीं थी, मेरा ऑपरेशन हुआ, मगर उसके बावजूद भी ये प्ले करने के लिए मुझे हिम्मत दी इन लोगों ने और आज मैं शो कर रहा हूँ। बिंदु इज़ अ वेरी गुड प्रोड्यूसर एंड वी हैव अ फैंटास्टिक टीम, शिबा, दीप, शिखा, बिंदु, आकाश है ना, पायल, हम लोग एंड दे आर ऑल बंच ऑफ टैलेंटेड पीपल। सो आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई विल बी वर्किंग विद देम। ये मेरा ख्याल है 201वां प्ले होगा, लेकिन बहुत मज़ा आया काम करके। हैं अरे बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये नहीं कि पहला शो है इसलिए नर्वसनेस हो रही है, मुझे हर शो में होती है, क्योंकि जब तक मैं स्टेज के पीछे हूँ मैं नर्वस रहता हूँ, जब स्टेज पर चला गया फिर कुछ और ही हो जाता है, जादू होता है, जादू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रेडी मैम, आज के प्ले के बारे में जानकारी, गोलमाल के बारे में।
गोलमाल के बारे में हम जितना बोले ना उतना कम है. इट्स अ वंडरफुल हिंदी कॉमेडी प्ले, इट्स अ फैमिली प्ले, तो प्लीज़ आए और हमारा प्ले इन्जॉय करें. विंदु जी ने बहुत मेहनत की है इस प्ले को जोड़ने में, सारे आर्टिस्टों को लाने में, पब्लिसिटी में कोई उन्होंने कमी नहीं छोड़ी. ही इज़ बीन वंडरफुल एंड ऑल माई को एक्टर्स हैव बीन वंडरफुल. आई थिंक आप लोग प्ले देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा वाह व्हाट अ प्ले. सो प्लीज़ डोंट मिस इट, प्लीज़ गिव अस लव दैट यू हैव ऑलवेज बीन गिविंग अस. थैंक यू सो मच. ओ माई गॉड, रिहर्सल की तो बात ही मत करो क्योंकि बहुत मेहनत की है सब लोगों ने, बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है. हम तो 2 महीने से रिहर्सल्स चल रही हैं और एवरीबडी इज़ वर्कड वेरी वेरी हार्ड फॉर इट. सो जय माता दी, आज अच्छा जाए शो सबका. सेट इज़ ब्यूटिफुल एंड जयसुख जी ने बहुत अच्छा सेट बनाया है. इसमें आकाश जी का बहुत ज़्यादा योगदान है बिकॉज ही इज़ द क्रिएटिव डायरेक्टर, और विंदु जी का बहुत ज़्यादा योगदान है ऑफकोर्स बिकॉज विंदु जी प्रोड्यूसर है हमारे, बट वी आर हैविंग अ ब्लास्ट विद हिम. सो वी आर वेरी हैप्पी. हाँ जी, आपका क्या किरदार है आज? मेरा किरदार तो अब आप देखेंगे तो पता चलेगा. पड़ोसन का किरदार है, बहुत ही चुलबुली सी है, मस्ती मजाक वाली है, पंजाबी कैरेक्टर है और मैं खुद पंजाबन हूँ सो आई एम वेरी कम्फर्टेबल डूइंग इट. बट बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है, मतलब लाफ्टर वाला कैरेक्टर है ये. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड ऑफ परफॉर्मिंग टुडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड के हमें बहुत सारा प्यार दें आप लोग. थैंक यू सो मच. सेट में आकाश दीप जो हमारे एक्टर हैं वो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, वो जब कोई चीज़ के पीछे पड़ते हैं ये आ गई देख खुश हो गए तेरे पति का हम लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, जब वो कोई चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो दिल से करते हैं. लकी हंस जो हमारा जिसने ये प्ले लिखा है, लखबीर लहरी, उनने भी बहुत मेहनत की. जयसुख भाई जो है ये गुजराती और बहुत सारे शोज़ के बहुत ब्यूटीफुल सेट बनाते हैं, पर हमारा जो सेट था पहले वाले शो में हम लोग कुछ भी कर देते थे, इस बार परफेक्शन की है. अभी आप शो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप लोग जब हंसने लगोगे तो हम लोग ही हंसी रुकने नहीं वाली, तो यही प्लान है. सेट मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बढ़िया सेट बनाया है जयसुख भाई, आकाश ये लोग ने किया है. मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ, मैं सोचता हूँ कि एक्टिंग करना ही सबसे मेन है, जाके कॉमेडी करो और हंसाओ लोगों को, लेकिन ये बहुत मायने रखता है और ये लोगों ने बहुत मेहनत की है. मैं पूरी टीम को, बिंदु और उसकी पूरी टीम को पहले तो मुबारकबाद दूंगा, और मैंने लास्ट भी बिंदु का जब हुआ था तो मैं उसमें अपना आवाज़ भी दिया था मैंने, तो मैं सोच रहा था कि जब ये शुरू होगा तो डेफिनेटली पहले दिन ही जाके देखूंगा मैं, तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ. और इन्होंने इस बार बहुत मेहनत की है, और कई बार आपको काम करते करते चीज़ें समझ में भी आती हैं, कैसे बेहतर करना है, कैसे बेटर करना है उनको, तो अब वो चीज़ें थोड़ी विंदु दारा सिंह के अंदर आ गई हैं, समझ आ गई इस बात की कि हमें इसको कैसे बेटर करना है. तो मैं पूरी उम्मीद है मेरे को कि हम सब इंजॉय करेंगे आज की शाम. विंदु में क्या एनर्जी बहुत है, और मैंने उसका जो लास्ट शो देखा था मुझे उसी वक्त लग गया था कि स्टेज के लिए तो परफेक्ट है विंदु, बाकी फिल्में तो वो कर ही रहा है लेकिन स्टेज में खुद महसूस करता हूँ एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है. तो मैंने जब रावण का रोल किया था तो मैं इसीलिए किया कि मैं स्टेज पे क्या कर सकता हूँ, मुझे थोड़ी समझ आए. तो विंदु को मैंने लास्ट टाइम कहा था कि तुमने जो किया है परफेक्ट है एकदम, तुम स्टेज के लिए ज़बरदस्त हो. तो वहीं से आदमी इनकरेज होता है, और उसने अब ये खुद प्रोड्यूस भी किया है, बनाया भी है, पूरी टीम को इकट्ठा करके ये बनाया गोलमाल. गोलमाल का मतलब तो हम सब समझते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब इंजॉय करेंगे इसका. ऑल द बेस्ट, थैंक यू. शो के बारे में तो जो कहूँगा बाद में कहूँगा, पहले देख तो लूँ. लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी फिल्म लाइन के बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया मजे हुए कलाकार हैं सब, तो मुझे बहुत उम्मीदें हैं गोलमाल से कि ये अच्छा गोलमाल होगा, मतलब हंसी आएगी बहुत और फनी होना चाहिए क्योंकि सब अच्छे एक्टर्स हैं, और आई एम श्योर कि सब ने मिलकर बहुत मेहनत की है.
दो तीन महीने से लगे हुए हैं ये लोग और शुड बी वेरी गुड। तो प्ले कैसा है इसके बारे में तो बाद में ही क्या पाऊँगा, फिलहाल तो ये कहूँगा कि ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी, दे डू वेल। विंडू जी तो हमारे इंडस्ट्री के मतलब पहले उनके पिताजी स्टॉलवर्ट थे, वो खुद स्टॉलवर्ट हैं, तो बहुत ही बहुत 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 निहायत ही अच्छे इंसान हैं और कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जो उनको मतलब मना कर सकता है या मना करे या किसी का दिल करे कि मैं ऐसा ना करूं। तो आई एम श्योर उन्होंने इतनी मेहनत की और अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढी होगी, तो अभी देखने के बाद मालूम पड़ेगा, बट आई एम श्योर इट शुड बी गुड प्ले। ऑल द बेस्ट टू गोलमाल। गोलमाल टाइटल से लग रहा है कि बहुत मज़ा आने वाला है, आज प्रीमियर शो है। माई गुड विशेज, ऑल माई फ्रेंड्स आर एक्टिंग इन दिस और डायरेक्टेड बाय आकाश दी, शिवा हैं, बिंदु है, राजेशपुरी है, दीप्शी है, पायल है, सब लोग दोस्त लोग हैं और इंडस्ट्री में हमने सब ने साथ में काम किया हुआ है, तो आज देखते हैं मज़ा आएगा। टाइटल से लग रहा है गोलमाल जी। विंदु जी तो दारा जी की जो छवि है वो विंदु जी कैरी कर रहे हैं एक्चुअली, और मैं दारा जी के साथ मैंने बहुत साल काम किया है आर्टिस्ट एसोसिएशन में, और विंदु की छवि जो है बिल्कुल दारा जी वाली है, बहुत दिल से अच्छा इंसान है, बहुत बेहतरीन इंसान है, और उस प्ले के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और डेफिनेटली ये प्ले सक्सेस होगा। थैंक यू।